कुत्ता मतलब खून पी जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे कुत्ते मालिक का खून पी रहे हैं। तो ये भैया इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा, तो मैंने कहा लाओ आपको बताऊं। देखिए वैसे मैं क्या कहते हैं उसे, नेचर लवर। नेचर लवर नहीं, मतलब देखो नेचर ने जिस भी चीज़ में जान दी है उसको इज्जत करो, मैं करता हूँ ठीक है। तो कोशिश करें कि आप उसको ना मारें, सर्व हमको मार देते हो, मच्छर को भी ना मारे, वो डेंगू हुआ तो। अब देखो हम बात करें यहाँ पे पिटबुल की, आपको बताता हूं एक इंटरेस्टिंग चीज। एक ऐसा जानवर है दुनिया में जिसको कोई आज तक पाल नहीं पाया, कोई टेम नहीं कर पाया। शेर पलते हैं, यस अरब में शेर को पाला जाता है, शेर को आप कंट्रोल में कर सकते हैं। आप हाथी, हाथी देखते हैं, हाथी भी पलते हैं, घड़ियाल तक को यहां पे पेट बना लिया जाता है, सांप बहुत कॉमन है। ऐसा कौन सा जानवर है, वो जानवर है वुल्फ, भेड़िया। कहते हैं ना वुल्फ डज नॉट परफॉर्म इन द सर्कस, लायन माइट बी किंग ऑफ द जंगल। तो भेड़ियों को आज तक हम ट्रेन नहीं कर पाए। काफी रिसर्च में ये पता चला है कि जो भेड़िए होते हैं कमाल की सोशल स्किल्स होती है, कमाल की सोशल स्किल्स, जबरदस्त। वहीं से कुत्ते आते हैं, आपको पता है। अब ये बड़ी अजीब और गरीब बात है, एक तरफ हम कुत्तों को ट्रेन करते हैं, घर में पालते हैं, और दूसरी तरफ जो उनके वंशज है, जैसे हमारे वंशज, हमारे पूर्वज कौन है, बंदर, इनके पूर्वज है भेड़िए। भाई इंसानों ने जब ये देखा कि एक भेड़िए की प्रजाति को हम टेम कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं, वहीं से कुत्तों की ब्रीडिंग जो है, डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग्स शुरू हुआ। सबसे पहले हमने हॉर्सेस को डोमेस्टिकेट किया, राइट। बहुत भाई, ये एनिमल्स को जैसे जैसे हमने डोमेस्टिकेट किया है तो वहां से इतिहास बदला है ना, घोड़ों की वजह से इतिहास बदला। अब अजीबोगरीब बात है कि कुत्ते हर घर में आपको मिलेंगे, कुत्ते मन के सच्चे, लेकिन अगर आप वुल्फ को देखो तो आप उसको पाल ही नहीं सकते। तो आप कुत्ते हैं, लेकिन ये जो कुत्ते होते हैं बड़े प्यारे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, बहुत क्यूट होते हैं। घरों में हम इनको पालते हैं और इसमें भी ब्रीड होती है ठीक है। अब पिटबुल जो है ये बड़ी एग्रेसिव ब्रीड मानी जाती है, और पिटबुल का दिल्ली में आतंक हमको देखने को मिला है। अभी पार्क में गाजियाबाद में एक महिला जो है वो अपने कुत्ते को टहला रही थी, चेन से छूटा, हमला कर दिया 10 साल के बच्चे के ऊपर, बहुत बुरी तरीके से घायल हुआ ये। लखनऊ में हमने देखा किस तरीके से 82 साल की महिला के ऊपर पिटबुल ने हमला किया, मार दिया उन्हें। फिर अभी हमने एक और अभी केस देखा है लोनी में जो हमला हुआ। तो पिटबुल के हमले बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या पिटबुल इतना ज्यादा खतरनाक है कि हमला कर देता, आपको फाड़ डालेगा, चीर डालेगा? चलिए जानते हैं, इस बात को हम नजर डालेंगे। लेकिन हमारा एनसीईआरटी का बहुत ही शानदार कोर्स है, लाइव क्लासेस चल रही है दोस्तों हिस्ट्री की, तुरंत आओ। और सुनो भैया, तुम्हारे लिए प्रपोजल ले आया हूं मैं, बहुत सारे सीवीज आते हैं मेरे पास, सर कुछ करिए हमारे लिए, जो जितने भी छोटे यूट्यूबर्स हैं उनको हम प्रमोट करेंगे। ये एक प्रपोजल है, जैसे आपको करना क्या है कि अपना चैनल का नाम, सब्सक्राइबर और स्क्रीनशॉट हमको भेजना है। दो चीजें मैं करूंगा, एक तो आपके रेवेन्यू का इंतजाम मैं कर दूंगा, रेवेन्यू आपको आता रहेगा भले आपके 10, 15, 20 कितने भी सब्सक्राइबर हो। दूसरा हम चैनल का प्रमोशन करेंगे आपका, और अगर सब कुछ अच्छा रहा तो आप हमारे चैनल पर भी आ सकते हो, हम इंटरव्यू भी लेंगे। उसके लिए आपको जीमेल पे, लिंक्डइन पे, इंस्टा पे ये चीजें भेजनी है, हम मदद करेंगे आपकी। बाकी चीजें आप हमको कॉल करिए, मतलब यहां पे भेजिए, हम आपको कांटेक्ट करेंगे। देखो अभी सुनो, अभी 2-3 दिन तक हम कांटेक्ट नहीं करेंगे, अभी बहुत सारे, एक बार हम उसको ऑर्गेनाइज कर लें, 2 दिन के बाद से यानी कि परसों से हम आपको कांटेक्ट करना शुरू कर देंगे। और याद रखें भले ही 5-6 दिन हो जाए, हर किसी को कॉन्टैक्ट किया जाएगा। अब देखो पिटबुल होते कौन है, सबसे पहले व्हाट टाइप ऑफ डॉग्स आर पिटबुल। देखो सबसे पहले पिटबुल्स आर वेरी एग्रेसिव इन नेचर। पिटबुल देखो इनको ना, जो बुल्स होते हैं, जो बियर होते हैं, बियर बेटिंग एक ये स्पोर्ट्स चला करता था, ये खेल था इंग्लैंड में, ये खेल खेला जाता था बियर बेटिंग, कि पिटबुल को बियर से लड़वा दिया जाता था, बुल से लड़वा दिया जाता था, जो भयानक होते थे ठीक है। तो ये वहां से आया है, पिटबुल जो है ओरिजिनली ब्रेड फॉर बुल एंड बियर बेटिंग, अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट जिसमें डॉग जो है वो बुल या बियर को भाई पकड़ के लाते थे, और ये बकायदा पूरा खेल चलता था। उस समय कोई मूवी थिएटर्स तो थे नहीं, तो इसी तरीके के गेम्स खेले जाते थे, जानवर से जानवर को लड़वा रहे हैं, एक बड़े जानवर से छोटे जानवर को लड़वा रहे हैं, कहां इतना बड़ा भालू और कहां छोटा सा कुत्ता। लेकिन आपको बता दूं कि वो सब कहते हैं ना कि वो अगर चाहे हाथी तो 1 मिनट में जंजीरों को तोड़ सकता है, बट जंजीरें उसके दिमाग में होती है ठीक है। तो ये चीज है।
अब देखिए तंद्राली कुली ये बताती हैं कि भैया ये हमने 2017 में इसको हटाया कि ये देखिए हुआ क्या कि इस तरीके की ब्रीड्स जो हैं, ये जो बेटिंग वाली ब्रीड्स हैं, ये बहुत ज्यादा रखी जाती थी इंग्लैंड में, तो इसको रोक लगाई 2017 में। अब तंद्राली कुली बताती है कि चार तरीके की डिफरेंट ब्रीड्स मिलती हैं। सबसे पहले अमेरिकन पिटबुल, आपको पता है ना कि डॉग्स को अबैंडन भी किया जाता है, ठीक है, डॉग्स को छोड़ भी दिया जाता है। अमेरिका में आपको सबसे ज्यादा जो अबैंडन किया जाता है पिटबुल मिलेंगे। देन देयर इज स्टैफोर्डशायर टेरियर, टेरियर जो होते हैं ना बहुत तेज भागते हैं, और ये जो पिटबुल ये जो दिख रहे हैं ना ये वाली ब्रीड अमेरिकन ब्रीड, ये बहुत ही बल्कि और बहुत ही डेंजरस होती है, बहुत भारी भरकम। दोस्तों क्या होता है कि आप रॉड है ना, रॉड आप इनको कितना भी मारेंगे सर पे, इन पे कोई असर ही नहीं होगा। मैं भी आपको रीजन भी बताऊं कि क्या है, इतने वाकई खतरनाक है ये बुल टेरियर और अमेरिकन बुली, ये इस तरीके के देख सकते हो आप, ये इनके साइज आते हैं, ठीक है, ये इतने खतरनाक एक्सट्रीम क्लासिक और उसके बाद ये एक्सेल, इस तरीके के साइज आते हैं। और ये आप ये अमेरिकन बुलीज की वैरायटी, इसको आप ले सकते हो और ये देख सकते हो, ठीक है। तो ये पिटबुल की वैरायटी होती है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो कुत्ते हैं ये कितने डेंजरस होते हैं। सबसे पहले तो देखो दे आर क्रॉस बिटवीन बुलडॉग्स एंड टेरियर। कई बार ऐसा होता है कि जो टेरियर और बुलडॉग्स को क्रॉस करवा दिया जाता है, क्रॉस ब्रीडिंग हो जाती है, जिसमें जो टेरियर्स की खतरनाक तेजी आ जाती है और बुलडॉग्स की स्ट्रेंथ आ जाती है, और ज्यादा क्रॉस ब्रीडिंग और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। एक दो तगड़े कुत्तों की आप क्रॉस ब्रीडिंग करवा रहे हो तो रिजल्ट तो तगड़ा ही मिलेगा ना। अब देखिए पिटबुल्स दे आर फाइटिंग डॉग्स, याद रखिएगा कि कुत्तों का एक बिहेवियर होता है ना, कुत्तों का एक बिहेवियर होता है। जैसे अगर आप सबसे खतरनाक कुत्तों की बात करो, पिटबुल्स कुछ जगह बैन भी हैं, पिटबुल्स बदनाम कुत्ते हैं, पिटबुल्स जो हैं वो फाइटिंग, उनका एग्रेसिव नेचर है। उसके बाद आता है रॉटवीलर, रॉटवीलर बड़े खतरनाक कुत्ते माने जाते हैं, जर्मन शेफर्ड्स, डॉबरमैन, डॉबरमैन गार्डिंग डॉग्स होते हैं, गार्ड करते हैं, बहुत अच्छा गार्ड करते हैं, राइट। हस्की, हस्की क्यूट डेंजरस होता है बहुत ज्यादा, वो खतरनाक होते हैं, ठीक है। तो ये जो कुत्ते होते हैं ना, इतनी अलग अलग ब्रीड होती है, ये सब अटैकिंग्स में आता है। पिटबुल्स और रॉटवीलर दे आर द मोस्ट एग्रेसिव डॉग्स, ठीक है, जो आपको देखने को मिलेंगे। तो दीज आर द फाइटिंग डॉग्स। और जैसा कि मैंने बताया ये हरियाणा और पंजाब में देखेंगे तो वहां पर भी डॉग फाइट्स होती है। साथ ही साथ अगर आप देखो भारत में क्या एक प्रचलन है, कुत्ते रखेंगे, उनको कुत्ते पालने से मतलब नहीं है, उनको कुत्ता दिखाने से मतलब है कि लंबा चौड़ा कुत्ता पिटबुल, अरे पूरे मोहल्ला क्या पूरे शहर में फेमस हो जाएंगे कि हमने पिटबुल पाला है। आपको बता दूं मैंने यहां पे सेंट बर्नार्ड देखा, भाई इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सेंट बर्नार्ड आप पाल रहे हो, सेंट बर्नार्ड हस्की ये आप यहां पाल ही नहीं सकते क्योंकि वो ठंडे क्लाइमेट में पाले जाते हैं, उनकी हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जो बहुत ज्यादा जिनके बाल होते हैं, समझ रहे हो, बहुत दिक्कत होती है उनको, या तो कॉन्स्टेंट एसी चलाए रखो। लेकिन लोगों को डॉग्स की नॉलेज नहीं, उनकी बिहेवियर की नॉलेज नहीं है। तो भारत में ये होता है, दे आर लोकली ब्रीड, भारत में इनको लोकली ब्रीड किया जाता है। अब बड़ी बात ये है इनको डेंजरस कौन बनाता है। देखो कुत्ता कोई डेंजरस नहीं होता, मिल गया जवाब, पिटबुल डेंजरस नहीं है, बिना बात के पिटबुल को बदनाम किया जा रहा है। पिटबुल, इट्स नॉट अबाउट पिटबुल, इट्स अबाउट ओनर्स। पिटबुल जो बहुत ही एनर्जी डॉग्स होते हैं, है ना, बहुत ही ज्यादा इनमें एनर्जी होती है। अगर आप कुत्ते को बांध के रखोगे ना इस तरीके के कुत्ते को, तो काटेगा, उसका बिहेवियर बहुत एग्रेसिव हो जाएगा। इट्स अबाउट ट्रेनिंग, मालिक कैसा, जैसा मालिक वैसा कुत्ता। मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूं, मैं अभी एक जगह गया 2 महीने पहले की बात है, तो भैया जो मतलब इतनी, जैसे मैंने अंदर कदम रखा पागलों की तरह आवाज आई, मतलब कुत्ते जो है वो भौंकने लगे और आप विश्वास नहीं मानोगे, ऐसा लग रहा था वो पागल कुत्ते हैं। मतलब 10-15 कुत्तों को खाना नहीं दिया है 10-15 दिन से, ऐसा भौंक रहे थे वो। मैं गया जब बालकनी में तो उनकी लार मेरे ऊपर, मुझे बाप रे बाप, मुझे लगा भाई कौन है ये कुत्ता, इतना डेंजरस खा ही जाएगा मुझे। मुझे लगा यार कोई जर्मन शेफर्ड होगा, शेर पाल लिया है कुत्ता, कुत्ते की आवाज लगा दी, हमको यही लगा। पता है कौन कुत्ता था, वो था गोल्डन रिट्रीवर, लैब्राडोर, एक लैब्राडोर एक गोल्डन रिट्रीवर। लैब्राडोर के बारे में ये बोला जाता है कि वो इतना प्यारा कुत्ता होता कि चोर भी उसको करके ले जाएगा, ऐसा कुत्ता होता। वो दो कुत्ते थे, मैंने कहा रे
फिर मैंने ओनर को देखा, मैंने कहा हाँ भाई ओनर के हिसाब से कुत्ते सही। तो इट डिपेंड्स ऑन ओनर, ओनर कैसा है। ओनर अगर अच्छा है तो कुत्ते बहुत प्यारे होंगे। आपने कुत्तों की ट्रेनिंग कैसे की है ये डिपेंड करता है यहां पे। पिटबुल की तो यहां पे कोई बात ही नहीं है, दे आर वेरी हैप्पी डॉग्स। लोगों अगर देखिए पिटबुल मैंने क्या बताया, जैसे रॉटवीलर एक मेरा स्टूडेंट है उसके रॉटवीलर पला हुआ है, वो रॉटवीलर उसमें लगता है रॉटवीलर में लैब्राडोर की आत्मा घुस गई है, वो रॉटवीलर लगता ही नहीं है क्योंकि ओनर इतना बढ़िया है। तो आप ये समझो कि इट्स अबाउट ट्रेनिंग, इट्स अबाउट ओनर कि वो उनको कैसे ट्रेन कर रहे हैं। अब देखिए पिटबुल कुछ पिटबुल जो होते हैं बहुत खुश होते हैं, इधर उधर भागेंगे, कुछ कंफर्टेबल होते हैं छोटे घरों में, ठीक है, और कुछ मास्टर डॉग्स होते हैं। अब यही जैसा कि मैंने बताया कि पिटबुल का नेचर अटैकिंग होता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया इट डिपेंड्स ऑन ओनर रैदर देन द डॉग्स कि आप कैसे ट्रेन कर रहे हैं। अब ओनर्स को लगता है कि ये माचो और टफ है, लेकिन भैया डॉग क्या चाहता है उसको भी तो देख लो, उसको भी। एक मेरे घर के पीछे ही एक घर है, उसमें कुत्ते को दिन भर बंद रखते हैं, वो छत पे चला जाता है और दिन भर वो परेशान रहता है, वो भी लैब्राडोर है और वो उसका नेचर बहुत अग्रेसिव हो गया इस वजह से, वो दिन भर भौंकता रहता है, हम लोग सो रहे तब भी भौंके जा रहा है। तो वही मैं बता रहा हूं कि इस तरीके के जो कुत्ते होते हैं ना बड़ी डेंजरस होते हैं, मतलब अगर आप ऐसे ट्रेन कर रहे हो, कुत्ते का बिहेवियर देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसा कि मैंने बताया दे आर हाई एनर्जी डॉग्स, और अगर आप इसको इग्नोर कर देंगे तो फिर वहां पे बिहेवियरल इश्यू होगा। आप अपने आप को देखो ना, आप अपने आप को देखो एक बार, आप अपने आप को कुत्ते की जगह रख के देख लो, आपको पता चल जाएगा। किसी की प्रॉब्लम समझ नहीं है तो अपने आप को उसकी जगह रख के देख लो। आपको मैं कमरे में बंद कर दूं, अब हाई एनर्जी पीपल है, लोगों से बात करना पसंद करते हो, और मैं आपको बस बंद करे रखा हूं, मजा आएगी नहीं आएगी, सोशलाइजिंग नहीं होती है। जब ये सोशलाइज नहीं होंगे ठीक है तो ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, दे कैन बिकम डिस्ट्रक्टिव और दे नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये चीज है। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप अच्छे से ट्रेनिंग नहीं देंगे कुत्तों का, तो बहुत ज्यादा सर पे चढ़ा लिया, कोई भी तरीके के कुत्ते होंगे तो भी वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। तो पहली बात तो कुत्तों के बारे में रिसर्च कर दीजिए। कई बार क्या होता है कि जो मालिक होते हैं ना कुत्तों को छोड़ देते हैं, अबैंडन कर देते हैं, कई बार ऐसा होता है। अमेरिका में तो बहुत कॉमन है, अमेरिका में पिटबुल जैसे यहां के गली के कुत्ते ऐसा है वहां पे, ठीक है। तो उनका जो मेंटल और फिजिकल स्टिमुलेशन होता है वो आपको देखना पड़ेगा अगर आप पिटबुल पाल रहे हो तो। और सोशलाइजिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सोशलाइजिंग देखिए, वही छोटा सा कुत्ता भाई उसके दिमाग में जो जाएगा वो फीड हो जाएगा। तो अगर आप उसको बाहर ले जा रहे हो, लोगों से मिला रहे हो तो बढ़िया है, उसमें भी थोड़ा ध्यान से मिलाइए, ऐसा नहीं है कि बड़ा डेंजरस। अब जैसे जो गाजियाबाद और गुड़गांव में इंसिडेंट हुआ, सेक्शन 289 लगाया गया। अब देखिए इसमें होता क्या कि अगर कुत्ते ने काटा तो कुत्ते को जेल नहीं होगी, तुमको जेल होगी। तुमने क्यों निग्लेक्ट किया, तुम्हारी क्या आंखों में पट्टी बंधी थी, और सही भी है, 6 महीने से 1 साल की सजा होती है अगर आपका कुत्ता किसी को काट ले तो। आपकी प्रॉब्लम है कि आप उसको निग्लेक्ट कर रहे हो, आपने सही तरीके से उसका ध्यान नहीं रखा, ठीक है। तो ये चीज है। फिर एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने भी बोला है कि अगर आप लिफ्ट पे, जैसे अभी एक बहुत वीडियो वायरल हो रहा है कि एक लिफ्ट में आप देख रहे हैं कि औरत जो है उसके कुत्ते ने लड़के छोटा सा बच्चा बेचारा 10 साल का उसको काट लिया और औरत बैठी हुई है, ठीक है। तो अब ओनर ऐसा होगा तो कुत्ते भी ऐसे ही होंगे। देखो बहुत बढ़िया मैं तरीका बता रहा हूं, किसी भी इंसान को पहचानना है ना, अगर उसका कुत्ता है वो देख लो कैसा है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव है तो समझ लो कि ओ माय गॉड घर में रिश्ता नहीं रखना, निकलो निकलो निकलो, और बहुत प्यारा है तो इसका मतलब घर का माहौल अच्छा है जैसा उन्होंने चलो ठीक है। तो आई होप ये चीजें अब आपको समझ में आई होगी, कुत्ते में नहीं प्रॉब्लम होती है, इट्स अबाउट ट्रेनिंग, इट्स अबाउट ओनर। हाँ ये है कि अटैकिंग तो होते हैं पिटबुल, लेकिन उसको ट्रेन करो अच्छे से रखो। कितने पिटबुल भाई भारत में पढ़ रहे हैं, दुनिया में पढ़ रहे हैं, सब सही है। ओके तो ये लेक्चर था, और यूपीएससी का शानदार कोर्स हमारा जरूर अवेल करो, और जो मैंने प्रपोजल भेजा एक्सेप्ट करो उसे। थैंक यू सो मच।